आईएएस ना होता तो चली गई होती विनेश सिंह की जान। प्रशासन में ऐसे पुलिस अफसर की वजह से पूरे यूपी पुलिस की हो रही है किरकिरी। जनता की रक्षा करने वाले पुलिस अफसर ही निकले आरोपी, दे दी युवक की जिंदगी बर्बाद करने की धमकी। उधर युवक ने लगाया अपने आईएएस दोस्त को फोन तो निकल गई सारी हैकड़ी, हो गए सस्पेंड। अब योगी देंगे इतनी बड़ी सजा कि कभी निर्दोष को फंसाने की कोशिश नहीं करेंगे। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था से कभी समझौता नहीं करते, इसलिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था राज सुचारू रूप से कायम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहाँ एक और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार निर्देश देते हैं, वहीं यूपी पुलिस में कार्यरत कुछ जवान आज भी बेलगाम हैं। पूरा मामला राजधानी लखनऊ के बारा बिरवा इलाके का है, जहां यूपीएससी की तैयारी कर रहे विनीत सिंह को यूपी पुलिस के 3 सिपाहियों ने न केवल मारा पीटा बल्कि गांजा और स्मैक की तस्करी के आरोप में जीवन बर्बाद करने की धमकी दे दी। गनीमत ये रही कि मध्य प्रदेश में ट्रेनी आईपीएस दोस्त से विनीत की बात हो गई, जिसके बाद उसकी जान बच गई। अब इस मामले में आरोपी सिपाहियों को सस्पेंड करते हुए एसीपी ककोरी को जांच सौंपी गई है। पूरा मामला 17 जुलाई की रात का है। विनीत सिंह बारा बिरवा चौराहे पर थे, तभी 3 सिपाही जिनमें से 2 वर्दी में थे, एक सादी वर्दी में था, एक ओला टैक्सी ड्राइवर को पीट रहे थे। विनीत सिंह से ये देखा नहीं गया, उन्होंने तुरंत सिपाहियों को टोका। इसके बाद क्या था, तीनों ने मिलकर विनीत की पिटाई शुरू कर दी, पीटते पीटते उसका मोबाइल तोड़ दिया। उसके बाद उसे रिक्शा पर लाद कर रेल की पटरियों के किनारे ले गए, जहां उस पर लाठियां बरसाई गईं और कहा गया कि गांजा और स्मैक की तस्करी में जेल भेजा जाएगा। उसके बाद तीनों सिपाही उसे मानक नगर थाने ले गए। किसी तरह विनीत ने थाने में एक एक्सीडेंट के मामले में लाए गए शख्स से मोबाइल लिया और अपने ट्रेनी आईपीएस दोस्त को फोन मिलाकर पूरी घटना बताई। इसके बाद आईपीएस दोस्त ने ककोरी एसीपी को फोन लगाया। इसके बाद इस मामले में मीडिया आ गई, जिसके बाद आरोपी सिपाही अनमोल मिश्रा और गजेंद्र सिंह को सस्पेंड कर जांच बैठा दी गई है। साथ ही एसीपी ककोरी अनूप कुमार सिंह को मामले की जांच सौंपी गई है। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे विनीत सिंह ने बताया कि थाने में इंस्पेक्टर ने कहा कि किसी से शिकायत मत करना वरना कैरियर खराब हो जाएगा, अगर तुम शिकायत करोगे तो पिटाई भी करेंगे और तुम्हारी पढ़ाई भी बर्बाद कर देंगे। विनीत ने कहा कि एसीपी ककोरी अनूप कुमार सिंह ने कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी, जिसके बाद आरोपी सिपाही को सस्पेंड किया गया, विनीत की जान बचा ली गई। लेकिन इस मामले में जब मीडिया सामने आई, जिसके बाद आरोपी सिपाही अनमोल मिश्रा और गजेंद्र सिंह को सस्पेंड कर जांच बैठा दी गई है। साथ ही एसीपी ककोरी कुमार सिंह ने इस मामले की जांच को अपने हाथ में ले लिया है। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे विनीत सिंह ने बताया कि थाने में इंस्पेक्टर ने उससे कहा था कि शिकायत मत करना वरना खराब कर देंगे तुम्हारा कैरियर, अगर तुम शिकायत करोगे तो तुम्हें पिटाई भी करेंगे और तुम्हारी पढ़ाई भी बर्बाद कर देंगे। विनीत ने कहा एसीपी ककोरी अनूप कुमार सिंह ने इस मामले की कड़ी कार्रवाई की बात कही है, जिसके बाद आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। अब जरा सोचिए, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे यूपी पुलिस में कुछ ऐसे पुलिस अफसर भी हैं जो लगातार दागी बनने का काम करते हैं और पूरे पुलिस महकमे को कहीं ना कहीं शर्मसार होना पड़ता है और उनकी किरकिरी होती है। वैसे इस खास विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमको जरूर बताएं, और यूपी में कानून व्यवस्था को किस नजरिए से देखते हैं इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करना ना भूलें।